हेलो, असलामुअलैकुम। सर्विस इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुश आमदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वैक्सीनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको टीबी का जो लेक्चर है वो भेज दिया था, और आज हम एक और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, पोलियो पर। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो मैंने पिछले पोलियो पर एक वीडियो बनाई थी, उसमें एक इन्फॉर्मेशन दी जिसमें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था, तो उसमें कुछ चेंजेज़ हुई है जो कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के साथ। तो ये नई वीडियो मेरी आप सुने और इसी के हिसाब से आप चीज़ें याद करें या देखें इनको, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह इसके हिसाब से आप याद करें। तो जो पेड ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर रابطہ करके ऐड हो सकते हैं। वैक्सीनेशन की हम तैयारी करा रहे हैं, हमने ग्रुप्स बना लिए, और जो भी ऐड होना चाहे वहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स भी दिए जाएंगे और लेक्चर्स भी दिए जाएंगे उसके साथ साथ, और हर 10 दिन बाद आपसे एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा जिसमें आपकी तैयारी भी होती रहेगी और आपको असेस भी किया जाएगा। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो पोलियो पर है। पोलियो क्या होता है, उसकी वैक्सीनेशन कौन सी होती है, कब कब लगती है, ये हम सारा इस लेक्चर में सीखेंगे। और लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेली की बेस पर, जो जिनका आंसर आपको वहाँ में देना होता है कि इनका आंसर क्या होगा। तो देखें, टारगेट डिजीज ऑफ EPI में हदफी, जिसको हम हदफी अमराज कहते हैं उर्दू में, तो उसमें हम आज सीख रहे हैं व्हाट इज़ पोलियो। चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि डिफ़ाइन करके कि ये होता क्या है, ठीक है। तो देखते हैं डेफिनेशन इसकी। पोलियो और पोलियोमायलाइटिस इज़ अ डिसेबलिंग एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ काज बाई पोलियो वायरस। तो ये एक बीमारी होती है, हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन में देखते हैं, ठीक है। तो पोलियो या पोलियोमायलाइटिस जो होता है वो पोलियो वायरस की वजह से माजूर करने वाली और जानलेवा बीमारी होती है। तो ये दोनों देखें पॉइंट्स जो मैं रेड से हाईलाइट करता हूँ, मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट होती है इसलिए मैं रेड से हाईलाइट करता हूँ। तो पोलियो क्या होते हैं या पोलियोमायलाइटिस भी इसको कहते हैं, ये दोनों टर्म्स पोलियो के लिए यूज़ होते हैं। वो एक माजूर करने वाली, डिसेबलिंग मतलब माजूर करने वाली, और लाइफ थ्रेटनिंग मतलब इससे जान को भी खतरा हो सकता है। वो किससे होती है, वो पोलियो वायरस से होती है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पोलियो क्या होता है, वो वायरस होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया है या वायरस है पोलियो, तो हम क्या कहेंगे, पोलियो वायरस की वजह से पोलियो होती है। तो बैक्टीरिया वगैरह नहीं होता, वो वायरस होता है। तो दूसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। द वायरस स्प्रेड्स फ्राम पर्सन टू पर्सन एंड कैन इन्फेक्ट अ पर्सन नर्वस सिस्टम काजिंग पैरालिसिस। तो जो ये वायरस होता है क्या करता है कि एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलता है, ठीक है। कैसे फैलता है, और एक शख्स के ऐसा भी निज़ाम को मुतासर करता है, ऐसा भी निज़ाम कहते हैं नर्वस सिस्टम को। तो नर्वस सिस्टम को जब ये मुतासर करता है तो उससे क्या होता है, फालिज भी हो सकता है, और जिस्म की जो हिस्से होते हैं वो उनकी मूवमेंट्स रुक जाती है, जिसको हम फालिज कहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को पोलियो हो जाता है तो हम वो उनके जो वो होते हैं जिस्म के हिस्से, वो अकड़ जाते हैं या रुक जाते हैं मूवमेंट करना। तो ये सारी चीज़ें पोलियो से रिलेटेड हैं। इसकी अगली स्लाइड पे चलते हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, ये बहुत अहम होती है किसी भी लेक्चर में। मैं आपको बुलेट पॉइंट्स जो देता हूँ, सारी चीज़ें आप नोट करें और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन चीज़ों का, और जो पेड ग्रुप्स में इनको मैं नोट्स भी इनके दे दूँगा डे वाइज। पोलियो एक इंतहाई मुतहदी इन्फेक्शस बीमारी है जो वायरस की वजह से होती है, ठीक है। ये इन्फेक्शस है मतलब ये एक शख्स से दूसरे शख्स में फैल सकती है। उसके बाद देखें, ये ऐसा भी निज़ाम या नर्वस सिस्टम पर हमला करती है, ऐसा भी निज़ाम हम कहते हैं नर्वस सिस्टम पर, और चंद घंटों में मुकम्मल फालिज का सबब बन सकता है, तो उससे फालिज हो सकता है। तीसरी पॉइंट है, पोलियो ज़्यादातर छोटे बच्चों पर हमलावर होता है, ठीक है। ये सारी मेन पॉइंट्स हैं। इसके बाद पोलियो वायरस बच्चे में मुंह के ज़रिए दाखिल होता है, गले, मादे और अंतरियों, जिसको इंटेस्टाइन कहते हैं, में 3 से 5 दिन तक परवरिश करता है, ठीक है। 3 से 5 दिन तक इंटेस्टाइन में रहता है। इसके बाद पॉइंट है, पोलियो वायरस खून में फैलने के बाद ऐसा भी निज़ाम पर हमला करता है। मैंने पहले आपको बताया नर्वस सिस्टम पर, पहले खून में जमा होता है, उसके बाद वो नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जिससे फालिज का शिकार हो जाते हैं लोग। और जब फालिज होता है, हो जाता है, तो वो बिलुमू मुस्तकिल होता है, उनका इलाज मुस्तकिल मतलब नहीं होता। तो पोलियो से बचने का एक वायदी हल होता है कि आप उनको पोलियो ड्राप्स बच्चों को दें, या दूसरी वैक्सीन आती है IP वो आपको दें, वो अगले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो ये सारी बुलेट पॉइंट्स थी। इसके बाद देखें, पोलियो बच्चों में मौत और माधुरी की एक बहुत बड़ी वजह रहा है, तो मतलब बहुत सारी अमवात होती है इस पोलियो की वजह से।
ये सारी सिम्टम्स ऑफ पोलियो, बच्चों के पोलियो की अलामत, तो अलामत कौन सी होती है देखें, फीवर होता है, सोर थ्रोट होता है, हेडेक होता है, वोमिटिंग होती है, फटीग होता है, बैक पेन होता है, स्टिफनेस जिसको हम बैक पेन और स्टिफनेस होते हैं, नेक पेन या स्टिफनेस, पेन और स्टिफनेस इन द आर्म्स और लेग्स जिसको हम कहते हैं, बुखार, गले की सूजिश, सर दर्द के होते हैं, थकावट होती है, कमर में दर्द या करना, गर्दन में दर्द या करना, बाजों या टांगों में दर्द या करना, ये सारी अलामतें जो कि पोलियो की वजह से हो सकती हैं। उसमें देखें उससे बचा कैसे जाता है, पोलियो पोलियो से बचने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं या कौन सी वैक्सीन यूज़ की जाती है देखें उसमें, तो उसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट वैक्सीन होती है वो पोलियो वायरस की एक वैक्सीन होती है जो ड्राफ्ट की शक्ल में बच्चों को पिलाई जाती है जिसको हम कहते हैं OPV। देखिए OPV जो टर्म है ये या आप याद कर लें, इसकी एब्रीवेशन भी याद कर लें कि ये किसकी एब्रीवेशन है। OPV मतलब होता है स्टैंड्स फॉर ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, ये आप याद कर लें। रेड में मैंने लिखा है जो कि OPV क्या होती है, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन को हम क्या कहते हैं OPV। ये बच्चों को पिलाई जाती हैं एज ड्राप्स, तो ये बच्चों को जो पिलाई जाती है ये ड्राप्स की शक्ल में होती है, ये इंजेक्शन वगैरह के थ्रू नहीं लगाई जाती, क्या होते हैं ये ड्राप्स होते हैं जो बच्चों को पिलाए जाते हैं। और कब कब पिलाए जाते हैं, एट बर्थ, पहले पहले जब बच्चा पैदा होता है तब पिलाई जाती है, इसके बाद पिलाई जाती है एंड देन एट 6 वीक्स 6 हफ्तों की उम्र में, देन 10 वीक्स 10 हफ्ते की उम्र में, और देन 14 वीक्स की उम्र में। मतलब ये देखिए 4 टाइम्स जो होते हैं, 4 दफ़ा बच्चा को OPV पिलाई जाती है, एक बर्थ पर, 6 हफ्ते की उम्र में, 10 हफ्ते की उम्र में, और 14 हफ्ते की उम्र में। तो ये ओरल पोलियो वायरल वैक्सीन ये सेम है जो मैंने आपको बताई चीज़, ये उर्दू में लिखी हुई है। इसके बाद देखें इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन वायरस वैक्सीन है, ये इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस जो वैक्सीन होती है वो IPV कहलाती है। क्या? IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन जिसको हम कहते हैं। तो इनएक्टिवेटेड क्या होती है, उसको हम कहते हैं मुर्दा वायरस पोलियो, मुर्दा वायरस पोलियो IPV जिसको हम कहते हैं। उसके 2 डोज दिए जाते हैं, कितने डोज दिए जाते हैं, 2 डोज। पहला जो डोज दिया जाता है कहाँ पे, 14 वीक्स की उम्र में दिया जाता है, दूसरा डोज 9 मंथ्स की उम्र में दिया जाता है। तो ये अपडेट हुई थी चीज़ जो मैंने आपको, जिसकी वजह से ये मैं न्यू लेक्चर बना रहा हूँ। पहले 1-2 डोज दिया जाता था IPV का जो 14 हफ्ते की उम्र में दिया जाता था, अब क्या है IPV के 2 डोज हो गए, एक 14 हफ्ते की उम्र में दिया जाता है, दूसरा 9 मंथ्स की उम्र में दिया जाता है। तो ये चेंजेस हुई थी तो मैंने ये लेक्चर बनाया है, ठीक है। अगली स्लाइड में कंप्लीट शेड्यूल देखेंगे कि कब कब लगता है। देखें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ऑफ पोलियो वैक्सीन, जो भी वैक्सीन हो उसका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आप ज़रूर याद कर लें, ये टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई वैक्सीनेटर ये मेरा लेक्चर सुन रहा है तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें वैक्सीन का नाम क्या है, पहले तो OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। उसके 4 डोज होते हैं, उसके कितने डोज होते हैं, कोई पूछे सवाल में अगर आता है कि कितने डोज OPV के होते हैं, वो होते हैं टोटल 4 डोज। सबसे पहला डोज होता है जो कहलाता है OPV 0। OPV 0 इसलिए कहते हैं कि बर्थ पे पिलाया जाता है, ठीक है, जिसको हम 0 डोज कहते हैं। क्या? 0 डोज। OPV 0 होता है बर्थ पर। उसके बाद जो दूसरा OPV का डोज होता है वो 1 कहलाता है, OPV 1, वो होता है 6 हफ्ते की उम्र में। OPV 2 तीसरा डोज होता है, वो 10 हफ्ते की उम्र में। OPV 3 जो दिया जाता है वो 14 हफ्ते की उम्र में। अब आते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, दूसरी जो वैक्सीन है जो इंजेक्ट की जाती है, ये पिलाई नहीं जाती, ये क्या की जाती है, इंजेक्शन के फॉर्म में लगाई जाती है बच्चे को। उसका जो पहला डोज होता है वो 14 हफ्ते की उम्र में OPV 3 के साथ होता है, ठीक है। OPV 3 जब पिलाई जाती है 14 हफ्ते में, और IPV 1 का डोज भी लगाया जाता है 14 हफ्ते की उम्र में। IPV का जो दूसरा डोज होता है वो होता है 9 माह की उम्र में। तो ये 4 डोज हो गए OPV के, और IPV के 2 डोज जो पोलियो वायरस से बचने के लिए बच्चों को दिए जाते हैं जब वो बच्चे टीके लगाने या वैक्सीन के लिए हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं, तो इनको ये सारे डोज पिलाए या लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये कंप्लीट शेड्यूल याद करना है, टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे चलते हैं हाउ टू प्रिवेंट पोलियो, इसमें भी एक चीज़ अहम लिखी हुई है। ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन जो है OPV एक पिलाई जाने वाली वैक्सीन है, मैं पहले बता के आया हूँ कि OPV पिलाई जाती है, और IPV इंट्रामस्कुलर अजलाती वैक्सीन है, मतलब वो लगाई जाती है इंट्रामस्कुलर मतलब मसल्स में लगाई जाती है। इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल क्या होती है वो अगले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो देखें अगली स्लाइड में आपके लिए क्वेश्चंस होंगे 2, जिसका आपको मुझे कमेंट करके आंसर बताना है कि इनके आंसर्स क्या होंगे। ये मैंने लेक्चर्स में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ सारे लेक्चर, अगर सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना तो दोबारा सुन के आप इनका आंसर दे सकते हैं। पोलियो वायरस इज़ कास्ड बाय, पोलियो इज़ कास्ड बाय वायरस, ट्रू है या फॉल्स है? पोलियो इज कास्ड बाय वायरस, ट्रू और फॉल्स? पोलियो वायरस की वजह से होता है, ट्रू या फॉल्स आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है OPV जिसको हम ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं कि दूसरी खुराक कब दी जाती है, पैदाइश के वक्त,
6 हफ्ते की उम्र में, 14 हफ्ते की उम्र में या 10 हफ्ते की उम्र में। तो ये दो क्वेश्चन हैं आपके लिए, जो आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और उसके बाद आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पेड ग्रुप्स पे हमने स्टार्ट किए हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आपको फ़ीस पे करके हमें स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना है, ताकि आपको हम ऐड कर दें, जहाँ पे हम नोट्स भी देते हैं और प्लस में आपकी टेस्ट वगैरह भी ली जाएगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। आप अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल सर्वेश इनसाइक्लोपीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।